चार महिलाओं से दुष्कर्म का आरोपी भोगी बाबा। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, तपस्वी बाबा बोले सब समाधान होगा। 3 दिन तक कमरे में हाथ पैर दबवाए, 4th दिन कपड़े उतरवाए। खुद को भगवान बताकर दुष्कर्म करने वाला तपस्वी बाबा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तपस्वी बाबा को भांकरोटा पुलिस ने 4 महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल बाबा जेल में है। तपस्वी बाबा महिलाओं को आश्रम में बुलाता और दावा करता था कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी सेवा करो, सब कुछ गुरु को समर्पण कर दो। बाबा के आश्रम में जाने वाली पीड़िता से बात की, नाम और पहचान नहीं छापने की शर्त पर पीड़िता ने बाबा की पोल खोली। विधायिका की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पति से घरेलू विवाद हो गया था, उसने MSc की हुई है। बाबा के जाल में फंसने की वह बड़ी गलती कर बैठी। उसे एक परिचित युवती ने बाबा के पास आश्रम में जाने की बात कही। आश्रम में बाबा ने कहा कि सब समाधान हो जाएगा। वह आश्रम में जाने लगी। साल भर सब सही चलता रहा। वह दिन में ही अक्सर आश्रम में जाती थी। तब बाबा ने उसे कहा कि रात को आश्रम में रुककर सेवा किया करो। वह रात को भी आश्रम में रुकने लग गई। उसने रात को देखा कि कुछ महिलाएं अलग से बाबा के पास ऊपर बने कमरे में जाती है। बाबा की सेविका ने पीड़िता को कहा कि आज तुम्हें बाबा की सेवा करने चलना है। वह रात को अन्य महिलाओं के साथ गई। वहां पर महिलाएं बाबा से हाथ पैर व सिर को दबा रही थी। उसने भी बाबा के पैर दबाए। बाबा ने बोला कि सेवा करने पर ही प्रसाद मिलता है। दूसरे दिन फिर से उसे बाबा के पास ले गए, बाबा के हाथ पैर दबवाए। 3rd दिन भी रात को उसे बाबा के पास ले गए। लगातार 3 दिन तक उसे रात के समय बाबा के पास सेविकाएं ले जाती रही। पीड़िता ने बताया कि बाबा के पास 4th दिन उसे रात को ले जाया गया। वहां पर कोई नहीं था। तब बाबा के हाथ पैर दबाने लग गई। बाबा ने उसे कहा कि कपड़े खोलो। पीड़िता चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब बाबा ने उसे दोबारा से कहा तो वह भागकर बाबा के कमरे से नीचे आने लगी। बाबा ने उसे बोला कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। भक्त की परीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। अगले दिन फिर बाबा ने कमरे में बुलाकर भांग की गोली खिला दी। ईश्वर का ध्यान करो और समर्पण का भाव रख, सब कुछ दे दो। नशा होने पर बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता बाबा के आश्रम में 6 महीने तक नहीं गई। बाबा की सेविकाओं ने उसे आश्रम में आने के लिए बोला। वह आश्रम में गई तो बाबा ने उससे बात की। रात को बाबा के कमरे में उसे लेकर गए। तब बाबा ने उसे प्रसाद के रूप में भांग की गोली खिला दी। उसे कहा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं ही भगवान हूँ, सब मुझे समर्पण कर दो। उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, फिर दुष्कर्म किया। पीड़िता की बेटी का एक लड़के से अफेयर चल रहा था। परिवार में कुछ घरेलू कलह चल रहा था। इस दौरान बाबा की सेविकाओं ने आश्रम में आने को बोला। आश्रम में बाबा ने बोला कि बेटी को मेरे पास भेज दो, सब सही हो जाएगा। उसके पति ने बेटी को आश्रम में जाने की बात कही। तब पीड़िता ने बेटी को भेजने से मना कर दिया। पति नहीं माना तो उसने पूरी बात बताई। इसके बाद एक एक करके कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।